हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम कवर अप करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स जैसे आप सबको भी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें कि बेसिक एग्जांपल आते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ईबे, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको घर से बैठ के ऑर्डर करने की फैसिलिटी देते हैं। अब ये ऑर्डर करने की फैसिलिटी से बायर और सप्लायर दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई सामान बेचना है और मैं उस सामान का प्रोड्यूसर हूँ, सो एज अ प्रोड्यूसर मैं अपने सामान को लिस्ट कर सकता हूँ उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स पे, और एज अ बायर आप आके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो बहुत बड़ी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की सिस्टम होता है वो शॉर्ट होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कन्वेंशनल सिस्टम में बात करते हैं तो उसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देते हैं, और फिर रिटेलर से आके आप बाय करते हो। तो जितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते जाते हैं उतना ज्यादा उसके अंदर कॉस्ट ऐड होते जाता है। तो सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका आता है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट के लिए, इससे सप्लायर का मार्जिन भी ज्यादा हो जाएगा और एट द एंड जो कंज्यूमर के हाथ में आएगा वो भी एक सस्ता प्रोडक्ट होगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे काफी सारे ऑफर्स आते हैं और वो सब इसी बेसिस पे आ पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को शॉर्ट कर लिया है ना। अगर हम बेसिक फंक्शंस देखें या बेसिक एप्लीकेशंस देखें ई कॉमर्स के, तो वो क्या है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यहाँ पे ना जैसे हम इंडिया में यूपीआई की चेन देख रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो ट्रांसफर सिस्टम है दैट इज़ यूपीआई। अब वो इतना ज़्यादा प्रोक्योर हो पाया है, इतना ज़्यादा वास्ट एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आज हमें कुछ भी ऑर्डर करना है, हमें अमेजोन से लैपटॉप ऑर्डर करना है, हमें जोमैटो से फूड ऑर्डर करना है, हमें ओला से कैब ऑर्डर करनी है, सो कुछ भी हमें ऑर्डर करना है दैट वी कैन ईजिली ऑर्डर, और उसके लिए हम जो पेमेंट करते हैं वो भी ईएफटी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्राइज इंटीग्रेशन। आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि हमने बोट में देखा है कि बोट का जो इनिशियली, अभी तो उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेल कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने ऑनलाइन मीडिया को चैनल को क्रैकआउट करके रखा है, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेस्ट सेलिंग बना पाते हैं। जैसे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जैसे बोट है, नॉइस है, फायरबोल्ट है, वन प्लस है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका डायरेक्ट कंपटीशन है बोट के साथ में, बट बोट इतना ज़्यादा कम्पीट क्यों कर पाता है, बिकॉज वो ऑनलाइन में अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके बैठे हुए हैं अपने सारे ही प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, तो आपको इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आपको देखना पड़ता है कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने रॉ मटेरियल्स को मेंटेन करके रखते हो और प्रोडक्शन भी उसी के साथ में इनलाइन सिंक्ड होता है। बट अगर आप ये चीज़ें पूरी ऑनलाइन कर दोगे तो आप ऑनलाइन डे टू डे बेसिस पे अपने आप ही ट्रैक कर सकते हो, जो आपका वेबसाइट है, जो आपकी सॉफ्टवेयर है, उससे कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, कितने ऑर्डर्स डेली के आ रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल आपके पास बचा हुआ है, कितना प्रोडक्ट आपके पास बचा हुआ है, ये सब आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। तो जो डिसीजन मेकर हैं, जो मैनेजमेंट है इसका, वो इजीली अपना डिसीजन बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट एंड परचेज। सेम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेसिस पे आता है कि आपको सब कब सामान प्रोक्योर करना है, कब उसको बेचना है, कब खरीदना है, आपका रॉ मटेरियल कितना आपके पास अभी मेंटेन करके रखना है और कितना और आने वाला है। नेक्स्ट इज वीडियो ऑन डिमांड। जनरली आज हम टीवी की बात करें और सोशल मीडिया पे भी आज सेम होने लगा है कि हम यूट्यूब जब भी रन करते हैं, जब हम इंस्टाग्राम रन करते हैं तो उस पर एड्स आने लगती हैं, हम टीवी देखते हैं उस पर एड्स आती हैं। अब इसमें ना वीडियो ऑन डिमांड का एक बेसिक चीज़ है कि आप जैसे हम अमेजोन पे आते हैं तो अमेजोन पे मिनी टीवी है, वैसे हम टेलीविजन पे जाते हैं तो टेलीविजन पे आज आपको जो चैनल देखना है आप उस पर्टिकुलर चैनल को देख सकते हो। तो इसी तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आजकल ये कर रहे हैं कि वो ओटीटी के साथ अपने आपको मर्ज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज होम शॉपिंग। आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, तो जो आपका ट्रैवल टाइम है, जो आपकी एनर्जी है और पूरा जो उसमें एफर्ट जाना है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेट बैंकिंग। आप डायरेक्टली पैसा पे कर सकते हो अपने बैंक के थ्रू, जिसमें कोई बीच में कोई भी चैनल आता नहीं है, आप डायरेक्टली पे करोगे अपने सप्लायर को। नेक्स्ट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। जो कंपनीज हैं वो उन्हीं ऐप्स के थ्रू अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अमेजोन पे सर्च किया टीवी, तो उसके बाद मैं कुछ भी यूज़ करूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा मेरे को उसके ऊपर टीवी की एड्स आएंगी, मैं यूट्यूब रन करूँगा मेरे पास उसमें टेलीविजन की एड्स आएंगी, मैं गूगल सर्च करूँगा किसी भी चीज़ को तो वहाँ पर मेरे को सिमिलर चीज़ के ऊपर एड्स आएंगी। तो यहाँ से
कोई भी कंपनी, स्पेशली ई कॉमर्स कंपनीज, अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रिवेलेंस बढ़ाते जा रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस की इस ई कॉमर्स से क्या फ़ायदा हुआ है सप्लायर को और बायर को। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट, आज कोई भी पर्सन इंडिया, जैसे अमेजोन इज अ ग्लोबल, बेसिकली एक MNC है जहाँ पे कोई भी बेच सकता है और कोई भी खरीद सकता है। वो सिर्फ स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए नहीं, इंडियन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, कोई भी अगर उसमें कोई खरीदना बेचना चाहता है तो अपना प्रोडक्ट उसमें डाल सकता है और कहीं से भी उसको किसी को भी खरीदना है तो वो इजीली खरीद सकता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है तो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से लोगों को अपने प्राइस भी सस्ते करने पड़ते हैं और प्राइस के साथ अपने क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। बिकॉज अगर उनको कस्टमर को कंटिन्यूसली रिटेन करना है, अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, तो क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस तीनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चेन क्योंकि छोटी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब की कॉस्ट कटिंग हो गई है, जिसकी वजह से एट द एंड प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता हो जाता है। न्यू मार्केट्स में आप जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जैसे आज मैं एक, मेरी एक रिटेल शॉप थी, लेट्स से भोपाल में मेरी एक रिटेल शॉप थी, अब मेरे को अपने मार्केट को ग्लोबलाइज लेके जाना है तो मैं पहले चेक करना चाहता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, ईबे पे, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरे को दूसरी सिटीज से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर मेरे पास बल्क में ऑर्डर आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे को अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं दिल्ली से, मुंबई पे, मुंबई से, तो मैं उन जगहों पे जाके अपने रिटेल आउटलेट्स भी खोल सकता हूँ। नेक्स्ट है स्टॉक मैनेजमेंट, जैसा कि हमने पहले देख लिया था कि आपको, क्योंकि आपके पास में एक ऑर्डर साइकिल रहती है, आपके पास ऐसा नहीं कि आज आपने अमेजोन से ऑर्डर किया और आपको एक घंटे बाद डिलीवर करना है, इट्स नॉट लाइक जोमैटो, तो आपके पास 1 से 3 या 5 से 7 दिन तक का टाइम रहता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपके पास एक टाइम मिल जाता है कि आपको स्टॉक कब तक का मेंटेन करना है। आपको अगर ऑर्डर 3 दिन बाद सप्लाई डिलीवर करना है, 3 दिन की साइकिल है, तो आपको प्रीवियस 3 डेज के साथ में उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेशनल वेलफेयर, अब जैसे ई कॉमर्स आया है, UPI जैसे इंटरफेसेस आए, तो उससे कंट्री की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला है। एक चीज़ है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो कोई भी शॉपकीपर जो है वो अपनी सेल को छुपा नहीं पाता। जैसे पहले हम काफ़ी देखते थे ये चीज़ें कि शॉपकीपर सेल कर देता था, कच्चा बिल देता था, जिसकी वजह से वो GST वगैरह से बच जाता था, बट अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको GST पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बायर्स, ऑब्वियसली इतने सारे एडवांटेजेस मिलेंगे सप्लायर को, तो अपने प्राइस कटिंग करेगा, प्राइस कटिंग की वजह से बायर को फायदा होगा। एंड एट द एंड बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कस्टमर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब जब हम बायर्स की बात करते हैं, हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस की बात करते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बायर कितना नोन है आपके प्रोडक्ट के साथ में। और जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन के इंक्रीज के साथ साथ कस्टमर अपने प्रोडक्ट को समझने लगे हैं, उनको समझ में आ गया कि उनके प्रोडक्ट में क्या फीचर होने चाहिए, क्या डिसएडवांटेजेस है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के। सो अब कस्टमर नो अबाउट योर प्रोडक्ट, हैंस अ बेटर प्रोसेसिंग सिस्टम ही कैन अडॉप्ट। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस, तो पहला डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी इन रीइंजीनियरिंग बिजनेस। अगर जैसे हम अपने पापा मम्मी के टाइम के लोग देखें, जो लोग ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं थे, कोई अगर बहुत पुराना एंटरप्रेन्योर था, आपके लोकल शॉप्स थी कोई आसपास, आप देखते होगे जिसको कोई अंकल रन करता होगा 40-50 ईयर्स का, तो ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं रहते। तो अगर उनको अपने मॉडल को शिफ्ट करना है, अब आप और हमारे एज के लोग इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे से अडाप्ट करना आती है, हम इजीली अपने मोबाइल के थ्रू रन कर सकते हैं। बट जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो हमारा पिछला जनरेशन था, उनको लिए काफ़ी डिफिकल्टी आती है इसको शिफ्ट करने में। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन यूजिंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब जैसे EFT की हमने बात करी, RTGS हमारा होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, तो उसमें भी आपको डिफिकल्टी आती है और कभी ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। जैसे आप RTGS करते हो, NEFT करते हो, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, आप अगर UPI करोगे तो वो इंस्टेंट होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे डेटा पायरेसी की बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है, जिसकी वजह से कस्टमरों को लगता है या फिर एज अ बायर आपको लगेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकती है कंपनी, या फिर इनफैक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन को कंपनी यूटिलाइज भी करती है। हम जो भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, थोड़ी देर बाद हमें उसकी एड्स आने लगती हैं, तो ये इंटरनेट को बेसिकली सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, एवरी सिंगल थिंग दैट दे नो अबाउट अस, तो वहाँ पे पायरेसी थोड़ी सी सिक्योर नहीं रहती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट वेरिफिकेशन। अब जैसे बहुत बार हमने ये चीज़ देखी कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करता है या फिर लैपटॉप ऑर्डर करता है, उसके बदले बुक्स आ जाती हैं, कभी ब्रिक्स आ जाती हैं, तो आप प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं कर पाते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर पाते हो कि कितना जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो जब आप महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप 1 लाख का मोबाइल खरीद रहे हो, 1.5 लाख का लैपटॉप खरीद रहे हो, और उस टाइम पर आपको ब्रिक्स मिल जाएँ, बुक्स मिल जाएँ, तो एज अ कस्टमर आपको बहुत ज़्यादा बिटरेड फील होता है, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि इसी डर की वजह से वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कम
करते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम अपने पास की शॉप पे चले जाएंगे। एंड एट द एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉप्स, अगेन द सेम थिंग, कि जो ऑनलाइन शॉप्स हैं वो कितने जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, उनका हम कितने टाइम पीरियड में उसको रिटर्न कर पाएंगे, किस कंडीशन में रिटर्न कर पाएंगे, तो उसके ऊपर हम अब ऑब्लाइज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने थोड़ा चेंज किया है, वो लोग ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी रिलायबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, बट उनको थोड़ा और एफर्ट्स देने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा और कस्टमर कॉन्फिडेंस को गेन कर पाएँ। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।